हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। आज देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं मार्च 23 का 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे कई सारे कोर्सेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं और सारे कोर्सेज के जो MCQ आपको एक साथ कॉम्पिलेशन में भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है चाइना जीरो। चाइना में हाल ही में कुछ दिनों से देखा गया कि जीरो केसेस सामने आ रहे हैं। मार्च 18 से मार्च 20 तक आपने देखा, ऐसे तो लोकल ट्रांसमिशन जीरो आ रहा है। इम्पोर्टेड जो केस हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, वो तो 300 के करीब आए हैं 22 मार्च को। लेकिन जो लोकल ट्रांसमिशन है वो जो है नहीं देखा जा रहा, खास करके जो वुहान है, जो कि इस एपेडमिक का एपी सेंटर है, जहाँ पर ये उपजा था, वहाँ पर भी नहीं दिखा जा रहा। तो एक बहुत बड़ा जो एक अचीवमेंट नज़र आ रहा है। 3 महीने हो गए वुहान में जब पहला केस आया था, और आज इम्पोर्टेड केसेस आ रहे हैं। 22 मार्च को 314 इम्पोर्टेड केसेस आए थे, और देखा गया कि सैटरडे को भी जो है लोकल ट्रांसमिशन के फ्रेश केसेस जो हैं वो थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। यानी जो जीरो केसेस वाली जो रिपोर्ट है वो कुछ दिनों तक ही थी, बाद में जो है पूरी तरीके से जीरो केसेस इसका नहीं हुआ। अभी भी जो है इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर अगर आप उस तारीख की बात करें, उस टाइम की बात करें, जब चाइना में थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश केसेस आए थे, हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स एक दिन में हो जाती थी, जब ये नंबर 81,054 पहुंच गया था, तब आप देखो तो उसके मुकाबले आज जो है एक अचीवमेंट ही है। इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी अगर जीरो केसेस या 2-3 या अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। द टोटल मोर्टिलिटी फ्रॉम कोरोना वायरस डिसीज इन मेनलैंड चाइना स्टैंड्स एट 3,237। इतनी मौतें यहाँ पे हो चुकी है, 3,237। इटली चाइना से आगे बढ़ गया इस मामले में, और उसने जो है 4,000 के करीब, जो है करीब 5,000 के करीब इसने डेथ दिखा दी। खाया जा रहा है कि इटली और ईरान जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपन कर दिया था, तो चाइनीज़ जो लोग थे वो उनका आना जाना बना रहता था, और यही वजह से जो है रोस्ट रिपरकशंस इटली और ईरान को फेस करने पड़ रहे हैं। खैर, उस तरफ ना जाते हुए आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि एपेडमिक के जो साइंस हैं अगर आप देखें, वो जब से बढ़े और आज जो हैं, इतना सब कुछ हो चुका है कि सारी इलाज भी हो चुकी है, और वुहान में जो हॉस्पिटल बना हुआ था जब पहला हॉस्पिटल खुला था ना, और आज वो बंद हो चुका क्योंकि उसमें कोई नए एडमिशन नहीं आ रहे, सब रिकवर हो चुके। तो जो टर्न अराउंड है चाइना में कम्स एट ए टाइम, इस समय आता है जब वायरस इज गलोपिंग इन यूरोप, जब वायरस यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और US में फैल रहा है। वुहान को तो शटडाउन अभी भी कर रखा है, और जनवरी 23 में भी जो है और सिटीज़ को शटडाउन किया गया था। कई जगह थी जहाँ पे भी शटडाउन किया गया, तो 60 मिलियन के करीब जो है लोग यहाँ पे, 6 करोड़ के लोग यहाँ पे लॉकडाउन में थे। ड्रास्टिक मेजर जो लिया गया, भाई कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, इसको रैपिड जो स्प्रेड था वायरस का, उसको रोका गया चाइना में और पूरी दुनिया में, वरना इससे भयंकर जो है ये वायरस हो सकता था। चाइना ने बहुत तेज़ी से काम किया, लेकिन कुछ दिनों तक इसने खबर छुपाई थी पूरी दुनिया से। हालांकि चाइना में ये बहुत समय तक फैल, जब चाइना में केस आए थे ना तब चाइना में ही फैल रहा था, यूरोप और US में तो थोड़े दिनों बाद में फैला था। तब तक यूरोप और US को सफिशेंट टाइम मिल गया था कि वो इस वायरस को जो है प्रिवेंट करने से काफ़ी ज़्यादा मेजर्स ले सकते थे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से यूरोप और US दोनों ने इसको एंडर यानी बर्बाद कर देने से, अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया। चाइना के बाहर जो ऐसा लग रहा था कि ऐसी वायरस चाइना के बाहर नहीं आएगा, वो अब इटली में जो है फैल रहा है, और इटली में ज़्यादा मौत है चाइना से, पूरी कंट्री लॉकडाउन में बंद है। कम्युनिटी के राइट्स जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं, इंडिविजुअल को भूला जा रहा है। कहने का मतलब, आप बाहर ना निकलिए तो पूरी आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे, तो कम्युनिटी राइट्स को जो आगे लाया जा रहा है। चाइना ने जैसे मेजर्स अपनाए, वैसे और कंट्रीज भी मेजर्स अपना रही है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्ट कर रही है, मास गैदरिंग बैन कर रही है, और अपने यहाँ तो शादियाँ वगैरह भी ऐसी होती है कि पूछो मत,
इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शट डाउन किए जा रहे हैं, और जो सेरेमनीज होती है उन पर बात चल रही है। क्यों? ताकि ट्रांसमिशन चेन को रोक सकें। और किसने रोका? चाइना ने। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने अभी बताया। चाइना की अगर हम सक्सेस देखें इस एपेडमिक को कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर एपेडमिक अगर इंडिया जैसी कंट्रीज में आता या और पुअर कंट्रीज में आता तो काफ़ी ख़राब काम हो सकता था जितना चाइना से हुआ है। चाइना ने कवर तो कर लिया इसको, लेकिन जो इसने खबर छुपाई जनवरी में, दिसंबर में केस आ गया था पहला, जनवरी तक इसने खबर छुपाई, ये धब्बा चाइना पे लगा रहेगा। एक बार ये आउटब्रेक चले जाए उसके बाद चाइना पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठेंगे। रोस, इससे भी बुरा इसका जो रिफ्यूजल था कि इसने खुद के लोगों तक को इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, WHO को बता दिया कि हमारे पास केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद अपने लोगों को यहाँ पे जो है इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया ताकि पैनिक ना हो। और डॉक्टर्स ने अगर कोशिश की कि अलार्म जो है हम रेज करें, अपनी पब्लिक को बताएं, उनको गैगिंग जो है उनके साथ ही, मतलब उनको अत्याचार की एक डॉक्टर की, तो यहाँ पे जो उनको सताया गया, उनकी मौत भी हाल ही में हो गई। माफ़ी मांगी चाइनीज़ अथॉरिटी ने, सरकार ने ऑफिशियली, कि हमने गलत किया उनकी फैमिली से। माफ़ी मांगने से क्या होता है? तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया आज ये नुकसान झेल रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो सार्स वायरस आया था 2002 में, जब चाइना ने बहुत समय तक की खबर छुपाई थी, तब से चाइना में आज तक कोई भी चीज़ नहीं बदली। आज भी चाइना जो है खबर छुपाता हुआ रहा है। अब चाहे 5 दिन के लिए छुपाया हो सकता है पहले पता था तो इतनी डिसीज नहीं होती। जो लोग, एक एक जान कीमती है ना। एक चीज़ जो चाइना ये कह सकता है कि हमने 2002 में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन छुपाई WHO से, वो इन्फॉर्मेशन हमने WHO से इस बार नहीं छुपाई। हाँ, कुछ दिन तक हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं किया, पब्लिक में नहीं जाने दिया, डॉक्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया, बात नहीं फैलने दी, लेकिन WHO को हमने बता दिया। और WHO के इन्फॉर्म करने के बाद फटाफट हमने जो है जीनोम का, जो वायरस का जो जीन है उसको सिक्वेंस करके भेज दिया। तो दुनिया भर में जो साइंटिस्ट हैं उन सबको जो है एक स्टार्ट मिल गया, एक पहले से एक बेसिक डिटेल मिल गई कि ये वायरस कैसा है। तो ये चीज़ें कह सकता है, हालांकि सवाल तो उठेंगे एक बार आउटब्रेक चला जाए। द पेरिल्स ऑफ एन इंडिया लॉकडाउन, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे लगा, क्योंकि आप और मैं तो घर पे बैठे बैठे हाथ धो रहे हैं दिन में 20 बार। एक बार हाथ धोने में अगर 1.5 लीटर पानी लग रहा है तो करीब ऐसे मान के चलिए कि एक आदमी को दिन में 20 लीटर पानी चाहिए, साफ पानी। क्या हमारे देश में साफ पानी है? कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि करीब 37 मिलियन, 3.5 करोड़ लोग जो हमारे भारत देश में, उनके पास एसेसिबल वाटर नहीं है, और जिनके पास है ज़रूरी नहीं है वो क्लीन हो। तो जब पानी ख़राब आ रहा है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वायरस, हाथ धोने से वायरस से बच सकते हैं? जिस तरीके से नोवल कोरोना वायरस बढ़ रहा है, डबल क्राइसिस लूम्स ओवर इंडिया। एक डबल क्राइसिस भारत पे बहुत तेज़ी से जो है मंडरा रहा है, एक हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। नज़र आपको हेल्थ क्राइसिस आ रहा होगा, लेकिन इसके आगे है इकोनॉमिक क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस बहुत कन्फाइंड है, हर किसी को नहीं हो रहा, फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम है, हर किसी को नहीं हो रहा, लेकिन नंबर धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पे तरह तरह की बीमारियों से, एक्सीडेंट से 80 लाख लोग मरते हैं, और 7 डेथ अगर हो रही है कंट्री में उसकी वजह से, तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं डर इस बात का। हेल्थ क्राइसिस है ये, इसके आगे क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि ये फुल फोर्स के साथ बढ़ रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार से निकाला जा रहा है। हेल्थ क्राइसिस को अगर हम देखें तो ये अमीरों को कम हो रहा है क्योंकि वो घर में रह सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस क्लास न्यूट्रल नहीं है, हेल्थ क्राइसिस क्लास न्यूट्रल है। हेल्थ क्राइसिस किसी को भी हो सकता है, गरीब अमीर, कैसे भी कास्ट का हो, कैसे भी रिलीजन का हो, किसी को भी हो सकता है ये बीमारी। इकोनॉमिक क्राइसिस की मैं बात करूँ तो ये क्लास न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमी डूबेगी, शेयर मार्केट डूबेगा, तो अमीर को फर्क पड़ेगा, और लेकिन पुअर पीपल को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये पुअर पीपल को ज़्यादा जो है हर्ट करेगा। हेल्थ क्राइसिस तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस पुअर पीपल को जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट सेविंग्स नहीं होती। आपके पास, हमारे पास तो सेविंग है, 15 दिन तक हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो 100 रुपये कमाते हैं दिन के, 100 रुपये के हिसाब से जो है खाना खाते हैं डेली, वो क्या करेंगे?
हाँ मैंने माना कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 75 लाख जो है लोगों को फ्री खाना देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने जो है इनको 1000 महीने का देने का फैसला किया है और इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए भी काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि माइग्रेंट्स वर्कर्स, देखो आर्टिकल में पढ़ो, स्ट्रीट वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सब इनफॉर्मल सेक्टर में, हमारा 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, प्रॉपर प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट के फॉलो नहीं करने होते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है नहीं बनाने होते, पेंशन स्कीम और जो सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की जो फॉर्मल सेक्टर पर लागू होती है वो यहाँ पे, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये सब जो है नहीं लगता। तो हमारी 90% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ये जो इकोनॉमिक सुनामी आई है इसके द्वारा इनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। महाराष्ट्र में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसा भी नहीं मिला क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में उनके मालिक पैसा देने के मना कर रहे हैं क्योंकि अभी सेल नहीं हुई होगी। तो जो लोग महाराष्ट्र से निकल रहे थे गाँव में जाने के लिए वो बीच में अटक चुके हैं क्योंकि ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी है। महाराष्ट्र से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टेट्स में भी जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बाहर देशों, बाहर राज्यों से लोग आके काम करते थे। फैक्ट्रीज अगर बंद होंगी, शॉप्स अगर बंद होंगी, ऑफिसेज अगर बंद होंगे, वर्क साइट्स से अगर बंद होंगी, तो यहाँ पे जो है लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये लोग भी जो है जल्दी महाराष्ट्र में कब तक आएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। ट्रांसपोर्ट रूट्स भी डिसलोकेटेड हो चुके हैं और जब वीट हार्वेस्ट होनी है तो वीट तो हार्वेस्ट होगी, यानी गेहूँ जब हार्वेस्टिंग का समय आ गया तो क्रिटिकल सोर्स जो माना जा रहा है गेहूँ, वो इतना रिलीफ नहीं लाएगा कि भाई गेहूं जो है बंटवा दोगे, ये तो केवल एक ट्रेलर है। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कहता है, देखो हेल्थ क्राइसिस के लिए सरकार ने जो है यहाँ पे लॉकडाउन भी कर दिया, इतने जिले जो है बंद भी कर दिए। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए सरकार ने टास्क फोर्स तो बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अंडर। कल हमने इसके सजेशंस भी पढ़े थे कि एक राइटर ने बताया था किस तरीके के काम इसको करने चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस कॉल्स फॉर अर्जेंट मासिव रिलीफ मेजर। टास्क फोर्स तो आगे की बात करेगा लेकिन मासिव रिलीफ फीचर मेजर्स चाहिए अर्जेंट, क्योंकि लॉकडाउन जो है एपिडेमिक को स्लो तो कर देगी लेकिन पुअर पीपल, गरीब लोग खाली नहीं बैठ सकते, उनको खाना चाहिए। आप और मैं तो ढंग से खा पी रहे हैं, उनको रोज की मजदूरी चाहिए, रोज का पैसा चाहिए, घर अगर वो रहेंगे तो उनको मदद चाहिए। तो आप ऐसे बोलोगे कि ये तो इंडिया थोड़ी है, ये तो सबके साथ हो रहा है ना, US यूरोप में सबको जो है, सारे मजदूर भी होंगे वहाँ पे, उनको भी अंदर रखा जा रहा है, तो भारत में एक थोड़ी ऐसा हो रहा है। लेकिन देखो हमारी सिचुएशन और बाहर जो कंट्रीज उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। US, UK, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे गुड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ पे पेंशन अच्छे से मिल जाती हैं, वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वहाँ पे अच्छे से हो जाता है। क्योंकि देखो कनाडा में अगर कोई एवरेज हाउस होल्ड होगा तो आराम से कुछ दिनों तक रह सकता है वो अंदर, लेकिन इंडियन पुअर जिनको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये दिन के मिलते हैं, जो घर खर्चा एक दिन के हिसाब से चलाते हैं, 15 दिन तक वो कैसे रहेंगे कोई अता पता नहीं है। सरकार जो है कर रही है वो सही है, लेकिन अब तक हमको बहुत कुछ जो है करना पड़ेगा। सरकार जो है पहला स्टेप लिया, सरकार ने जिस तरीके से पेंशन, हाँ करना चाहिए सरकार को, अब सरकार ने राशन बांटने की कोशिश की लेकिन अब पेंशन बढ़ानी चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए राशन और बांटने चाहिए, मिड डे मील्स जो होते हैं उनके जरिए बच्चों को खाना देना चाहिए। हो सकता है बच्चे ना आए लेकिन खाना लेके तो जा सकते हैं ना, घर पे इकट्ठा नहीं रहे, मनरेगा के जरिए जो है पैसा बंटवा सकते हैं। ये तो फिर भी आप जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको माल आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए पैसा जाएगा। शुरू में आप PDS राशन जो है वो फटाफट बंटवा सकते हो और कैश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है कर सकते हो, एक जो जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए बैंक में उनके जरिए डायरेक्ट पैसा भिजवा सकते हो, ठीक है। और स्कूल्स जो आंगनवाड़ीज हैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने राशन वहाँ से लेके घर जा सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह से हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सामान जो है खाने का वो सही समय पर उपलब्ध हो जाए। कुछ स्टेट्स ने ये ऐसे यूजफुल मेजर्स ले चुके हैं लेकिन स्केल हमको बढ़ानी पड़ेगी, हमको जो इसका पैमाना है, जो इसकी रीच है वो करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए पैसा भी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पैसा इस जगह लगाना चाहिए, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उसमें देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 15,000 करोड़ का पैसा अनाउंस किया था, ठीक है, अभी हाल ही में। अब गवर्नमेंट के और भी सेक्टर्स आएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगी, जाने कौन कौन आएंगे, कहेंगे भैया हमको पैसा दो, ऑटोमोबाइल सेक्टर को तुमने दे दिया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को दे दिया, हमको भी दो। तो गवर्नमेंट को सारा पैसा कॉर्पोरेट बेलआउट ही नहीं बल्कि यहाँ पे भी लगाना चाहिए, जो पुअर पीपल है उन पे भी ध्यान जो है लगाया जाए। तो यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है कि पब्लिक सर्विसेज को भी शटडाउन कर दिया जाएगा, और कर दिया गया है,
राजस्थान में जो है लॉकडाउन हो चुका था एक साथ पूरे स्टेट में सबसे पहले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को सबसे पहले बंद किया गया, कोर्ट हियरिंग्स को बंद कर दी गई, मनरेगा प्रोजेक्ट्स को बंद किया गया, और बेसिकली यहाँ पे जो इंटरप्शंस हैं वो आप कह तो सकते हो सही है, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज बंद करना गलत है, काउंटर प्रोडक्टिव है यहाँ पे, मतलब ये उल्टी चीज़ हो गई, क्योंकि हम केवल हेल्थ क्राइसिस से नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमको झेलना पड़ रहा है। पब्लिक सर्विसेज अगर बंद हो जाएंगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज देखो ट्रांसपोर्ट तो बंद कर दो आप, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वो खुली रहें। जैसे अगर आप राइटर की बात ढंग से पढ़े हैं तो अगर आप ये चीज़ देखें कि जब आप घर में अगर बैठने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे दो आपके मन में विचार आएंगे, पहला तो खुद को बचाना है, दूसरा दूसरों को बचाना है। तो पहले केस में तो आप जो है डर के मारे बैठे हो, दूसरे केस में आप देश की भक्ति के भावना से बैठे हुए हो ताकि वायरस ना फैले, लोगों को जो है नुकसान ना हो। कुछ लोग जो है इनको सेल्फ प्रोटेक्शन के तौर पर भी देखेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि बाहर जो होने दो हमें तो ना हो। तो ये नहीं सोचते वो लोग कि इंडिविजुअल रिस्क काफ़ी कम है, भाई आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है और आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के इतने खतरनाक एफर्ट्स भी नहीं अपनाने पड़ेंगे। हाँ कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन आप घर में कैद हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, घर में कैद है तो आप बचे रह जाएंगे, बाहर ना निकलेंगे। देखो ट्यूबरकुलोसिस से हर साल 4,000 लोग मरते हैं, फिर भी हम स्पेशल प्रिकॉशंस इसके अगेंस्ट नहीं लेते। तो जो COVID-19 से 7 लोग मरे हैं उनके उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं? सरकार इतना भयंकर काम क्यों कर रही है, ड्रास्टिक स्केल पे काम क्यों कर रही है? क्योंकि रीजन ये नहीं है कि आप खुद को बचाएं, आप और हम जब घर में बैठे हैं तो रीजन ये नहीं है कि हम आपको खुद को बचाएं जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, बल्कि ये कि हम सब मिलके इस एपेडमिक को रोकें। तो जब हम इस सब मिलके एपेडमिक को रोकने की कोशिश करते हैं तो इसमें हेल्थ क्राइसिस ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाता है। तो पब्लिक सर्विसेज को जो है यहाँ पे बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश ये की जाए कि हाँ पब्लिक एम्प्लॉइज़ उनकी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन पब्लिक जो पर्पज़ के लिए सर्विसेज है वो खुली रहे। अगर कोई पब्लिक सर्विसेज क्या है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे अपने सरकारी स्कूल है, पब्लिक सर्विस है, हाँ ये अगर हेल्थ हजार्ड क्रिएट कर रही हो इनको तो बंद कर दो स्कूल और कॉलेज, लेकिन ऐसी सर्विसेज जो कि पुअर के लिए जरूरी है और मेजर हेल्थ हजार्ड क्रिएट नहीं कर रही उनको खुले रहना देना चाहिए। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो राशन लगता है ना, एक साथ वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे नहीं, हो भी जाएंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, स्कूल में तो बच्चों को साथ बैठना पड़ेगा, अलग अलग कर नहीं सकते। तो ऐसी पब्लिक सर्विसेज जिनमें हेल्थ हजार्ड क्रिएट हो सकते हैं, लोगों को अलग नहीं कर सकते, उनको तो फिर भी आप बंद कर दो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद करना कई राज्यों में सही नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसेज हैं वो भी खुले रहने चाहिए जहाँ पे हेल्थ हजार्ड क्रिएट नहीं होएगा, लेकिन अगर बंद रह गए तो लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि पुअर पीपल जो है इन पे कई कारणों से डिपेंड रहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस और बर्बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस और बेकार हो जाएगा, ठीक है, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो, पब्लिक सर्विसेज अगर इस तरीके से बंद रही तो पब्लिक सर्विसेज अगर चालू रहे इसके लिए भी हमको क्रिएटिविटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खोल दी, चलो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है राइटर ने बोला तो खोल दो राशन की दुकानें, हमको जो है ध्यान में रखना चाहिए जो इसेंशियल सर्विसेज है अगर आप देखो तो उनकी जो लिस्ट है वो बनी रहनी चाहिए, ऑफिशियल गाइडलाइंस आनी चाहिए ताकि लोग जो है ये देखें कि क्या ये चीज़ें हमारे पास है नहीं है, तो बाहर जाके हम ले सकते हैं। लोग अगर ज़बरदस्ती निकल जाए देखने, देखो यार ये चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, इसकी दुकानें खुली है नहीं खुली, तो लोगों को जब तक गाइडलाइंस नहीं मिलेगी तब तक जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, जब भी मैंने आपको बोला कि क्रिएटिविटी जो जरूरी है, तो सम सर्विसेज यहाँ पे खोल सकते हो आप, कुछ सर्विसेज आप खोल सकते हो, आंगनवाड़ीज़ को आप खोल सकते हो ताकि लोग जो है ये आए और यहाँ से गरीब लोग जो है सामान ले जाए। पब्लिक स्पेसेस को भी जो है यूज करना चाहिए, लेकिन सेफ गार्ड के साथ, डिस्टेंस के साथ, और हाथ धोने से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हमको देनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हमको लेने चाहिए ताकि यहाँ पे जो आज चीज़ें बिगड़ रही हैं वो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर हर जगह नहीं होता और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर जगह सही नहीं होता, तो इससे जो गरीब लोग हैं वो और भी बिगड़, उनकी हालत और भी बिगड़ जाएगी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं बल्कि हेल्थ क्राइसिस भी बिगड़ जाएगा। तो चैलेंज यहाँ पे यह है कि पब्लिक सर्विसेज हम बंद भी नहीं कर सकते पूरी, खुली रख सकते हैं तो यहाँ पे इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए दिमाग, क्रिएटिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटिविटी, प्रशासन को यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को मिला दो, जो
एटम्स में काम करती है, बिल्कुल जो लो स्केल पे काम करती है और इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वांटम सुप्रीमेसी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस बजट में 2020 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 8,000 करोड़ रुपए का नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजीज अनाउंस किया। क्वांटम टेक्नोलॉजीज हमको स्पेस में भी मदद कर सकती है, कंप्यूटराइज सेक्टर में मदद कर सकती है और हेल्थ केयर में मदद कर सकती है। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इस आर्टिकल में कि किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हमको आर्टिकल के प्रीलिम्स के हिसाब से ये पढ़ना है कि इंडिया में क्या हाल है इसका। शुरू करते हैं वेयर इंडिया स्टैंड्स। रिसर्च इस एरिया में 2 दशक पुरानी है भारत की। सीरियस एक्सपेरिमेंटल वर्क लेकिन 5 साल से ही शुरू हुआ है और कुछ ही जगहों पे शुरू हुआ है। इंडिया की प्रोग्रेस बाकी दुनिया के हिसाब से क्यों नहीं हुई या कंस्ट्रेंट क्या है आर्टिक मेंस के लिए आप देख लो। सफिशिएंट सोर्सेज नहीं है भाई। क्वांटम टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर जो बनते हैं, क्वांटम जो कंप्यूटर्स बनते हैं, उनके लिए आपको पूरा हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रॉपर लैब चाहिए, प्रॉपर सिस्टम चाहिए, पूरा एक आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, इनकी कमी। दूसरा, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, लैब को ऑपरेट करने की हाई क्वालिटी मैन पावर चाहिए। क्या ये मैन पावर हमारे पास उपलब्ध है? नहीं, कंस्ट्रेंट है। दूसरी, टाइमलीनेस। सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए अनाउंस तो कर दिए, इस हालात में COVID-19 के और इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या ये 8,000 इस जगह जहां अनाउंस किए जिस जगह के लिए वहां लग जाएंगे, ये चिंता की विषय है। 8,000 करोड़ रुपए के क्वांटम टेक्नोलॉजी में सरकार लगाएगी। हेल्थ क्राइसिस यहाँ पे है तो क्या सरकार की निंदा नहीं होएगी? होएगी। तो टाइमलीनेस भी डिपेंड करती है कि टाइम से जो है पैसा लग जाए, वो भी एक चैलेंज है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिली हुई है रिसर्चर्स को काम करने के लिए, कितना जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब जो चीज़ें ये कंस्ट्रेंट हमारे लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है हमारे इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है। तो 4 जो कंस्ट्रेंट है ये बजट जो है रिसोर्सेज वाली जो पहली प्रॉब्लम थी उसको तो सॉल्व कर रही है, लेकिन हाई क्वालिटी मैन पावर की प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास है, टाइमलीनेस की प्रॉब्लम हमारे पास भी है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको जो है काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कंस्ट्रेंट बता दिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में। हम आपको बताऊंगा सरकार ने क्या क्या किया। सरकार ने पहले 2 साल पहले क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन लाया। इस बजट में क्वांटम नेशनल जो क्वांटम ये जो मिशन है इसके लिए 8,000 करोड़ रुपये दिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट को आप तारीफ तो करोगे कि ये जो न्यू मिशन लाया है सरकार मासिव स्केल पे, ये बहुत अच्छा है, जो कि बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के जैसा है। दिस इज़ इंडीड अनप्रेसिडेंटेड, यानी आज तक भविष्य में ऐसा नहीं हुआ, आज तक पास्ट में ऐसा नहीं हुआ वैसी चीज़ें। लेकिन अब इट इज़ नाउ अप टू द गवर्नमेंट, इस सरकार पे है और सरकार के पार्टनर इंस्टीट्यूशंस में, साइंटिफिक कम्युनिटी पे है कि वो इस मिशन की डिटेल्स निकालें, इसको फटाफट रोल आउट करें, फटाफट रोल आउट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टाइमलीनेस वाली दिक्कत जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो सरकार ने क्या किया मैं बता दिया आपको, पहला मिशन और दूसरा मिशन ये बजट वाला, पहला जो 2 साल पहले आया था। सरकार अब क्या क्या कर सकती है, सॉल्यूशंस यहाँ पे बता दिए गए। सबसे पहले तो यहाँ पे पब्लिक फंड के साथ कैसा होगा, क्योंकि देखो पब्लिक फंड 8,000 करोड़ रुपये मैंने आपको बताया ना, 8,000 करोड़ रुपये सरकार इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में लगा दे अगर हेल्थ क्राइसिस चल रहा है तो ये मुश्किल चीज़ है। तो सरकार क्या कर सकती है, फंड की कमी हो तो प्राइवेट फंडिंग की मदद ले सकती है, इंडस्ट्री की मदद ले सकती है और एनजीओ जो है, फिलेंथ्रोफी जो है, जो कॉलेजेस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ्री में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये जो CSR आपकी होती है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंडिंग है, वहाँ से भी पैसा उठा सकते हो। तो फंड्स जो है आपके पास आ रहे हैं उन, एक तो आप ये प्राइवेट फंडिंग, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन, हाई क्वालिटी मैन पावर आप जो है प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हो। प्राइवेट सेक्टर जरूरी नहीं है, भारत का ही हो। इंटरनेशनल नेटवर्क जो आपका बना हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स का, टेक्नोलॉजिस्ट का, इन सब से मिलके आप जो है काम कर सकते हो। तो प्राइवेट फंडिंग और साथ में जो क्वालिटी मैन पावर है आप इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए ले सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको जो है एक इंटेलेक्चुअल आप इन्वायरमेंट बना सकते हो। जैसे चाइना और सिंगापुर ने कर रखा है कि इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ के एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा है ताकि रिसर्चर्स खुद ब खुद जो है आके इसमें काम करने लग जाते हैं।
एक और सॉल्यूशन यहाँ पे है कि इंडस्ट्री जो है हमारी उनके साथ जुड़ी हुई रहे, इनके साथ कनेक्शन रहे हमारे रिसर्च का। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसर्च जब होती है जो उस पर पैसा लगाया जाता है, तो अगर इस तरीके से पैसा लगाया जाए ये देख के कि इसको कब हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, कब जो है इसका डिविडेंड, कब इसका प्रॉफिट मिलेगा, तो रिसर्च ढंग से नहीं हो पाती। रिसर्च में 5 साल 10 साल 2 साल 20 साल भी लग जाते हैं। तो पैसे देने वाले को दिल खोल के पैसा देना चाहिए, और अगर पैसे दे भी रहा है तो रिसर्च करने वालों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि पैसा जहाँ से आया है वो पैसा किस तरीके से लौटाया जाए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो सरकार जो है ये सोचे कि अगर पब्लिक प्राइवेट फंडिंग अगर ये उठा रही है तो रिसर्च जो हो रही है उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं, कमर्शलाइज इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन, जो रिसर्च की जाएगी उनको किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं सरकार इसमें ध्यान दे सकती है। हाँ, रिसर्चर्स पे प्रेशर नहीं डाले, लेकिन इंडस्ट्री को खुद ब खुद अगर हम जोड़ देंगे उसके साथ तो इंडस्ट्री खुद जो है इसका यूज करने लग जाएगी। इंडस्ट्रियल हाउसेज जो है, एक सॉल्यूशन ये भी है कि इंडस्ट्रियल हाउसेज को हमको इंकरेज करना चाहिए। फिलेंथ्रोपिस्ट जो यहाँ पे दानदाता हैं, जो डोनेशन करते हैं, डोनेटर्स हैं, उनको भी हमको यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस में आए, इंटरेस्ट दिखाए और प्रेजेंस जो है यहाँ पे हो। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिनमें यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो, उन्होंने भी ये आर्टिकल के कुछ अंश लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है जिसके पास, याद रखना प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिलकर आप जो है काम कर सकते हो। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको चैलेंजेस, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, जो एटम के लेवल पे काम करती है टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग स्पेस में ही नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी हो सकता है, तरह तरह की एप्लीकेशन इसमें हो सकती हैं, जो सालों में काम होता है कंप्यूटर के द्वारा वो सेकंड्स में ये कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर से ही बड़े होते हैं। चैलेंजेस के साथ साथ मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए। हाउ टू हैंडल अ पेंडेमिक, ये केरला की बात हो रही है। केरला ने जिस तरीके से जो है काम किया है वो वास्तव में काफ़ी काबिले तारीफ है। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल और बता दूं, नॉट एन अनफेटेड राइट। देखो, हाल ही में सीए को लेकर जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि यूएन का जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इन्होंने एमिकस क्यूरे जो है पिटीशन डाली है। एमिकस क्यूरे मतलब क्या होता है कि एमिकस प्यूरे का मतलब यह है कि कोर्ट में अगर किसी के केस चल रहा है, दो पार्टी के बीच में केस चल रहा है, तो मैं कोर्ट को अपनी, मेरी मान लो एक्सपर्टाइज है किसी कानून में या किसी लॉ में, तो मैं कोर्ट की मदद कर सकता हूँ उस केस को सोल्व करने में। तो यूएन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स ने एमिकस क्यूरे का रोल निभाने की कोशिश की है सीएए के खिलाफ जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी है बेसिकली, इसे काफ़ी चिंताजनक है इस केस के खिलाफ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अब ये चिंतित हो रही है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे हमारे इंटरफेयर कर सकता है हमारी सॉवरेनिटी में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी मतलब होती है आपकी प्रभुत्व, आपका हक है कि आप खुद के जो है डिसीजन ले सकते हो, कोई और इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जो सॉवरेनिटी है भारत देश की और हर देश की, ठीक है। तो दूसरी तरह अगर आप देखो तो इंटरवेंशन जो है अगर हो रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को हेल्प भी कर सकता है इंटरनेशनल लॉ समझने में। और अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है, देखो सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ कर देता है, नहीं करता तो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कर देता है तो यहाँ पे जो है नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे सॉवरेनिटी के, कि कोई भी देश सॉवरेन तो है, खुद के डिसीजन ले सकता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी इसकी जो है एब्लिगेशन होगी। यानी सीए पे जो लगाया जा रहा है कि भाई सीए जो भारत जो और जो देश हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के जो लोग आ रहे हैं वो एक तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जब भी केस आए तो सॉवरेनिटी की यहाँ पे कुछ जो है हद तक रुक जाती है। ये कानून अगर, ये कॉन्सेप्ट निकल के आने लग जाएंगे अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो। तो हाई कमिश्नर का जो इंटरवेंशन है ये बेसिकली कोर्ट को एक एक्सपर्टाइज देगा, एक ओवरव्यू देगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स कैसे हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, और किसी भी सरकार की किसी भी देश की क्या ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वाइट नहीं किया, वो खुद आए, दूसरी बात वो खुद इसलिए आए ह्यूमन राइट्स कमीशन क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया एक स्टेट पार्टी है, यानी इन्होंने साइन कर रखा है वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यूएन के साथ ये जुड़े हुए हैं अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशन जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ये सब जो है इंडिया ने साइन कर रखे हैं।
जिनमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्लोज हैं कि भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, खास करके ग्राउंड ऑफ रिलीजन में, चूँकि CA में एक आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राउंड रिलीजन के ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ को अगर मान लेता है, कह देता है कि ठीक है इंटरनेशनल लॉ जो है सही है, तो फिर यहाँ पे जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट को बंद करना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। हालांकि इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि फॉरेन पार्टी अगर कोई है तो वो यहाँ पे हमारे इंडिया की सोवरेनिटी पे उसका कोई अधिकार नहीं है। हाई कमिश्नर ने जो है पहली बार ऐसा नहीं किया, कई बार ऐसा किया गया है कि हाई कमिश्नर ने यहाँ पे कई जगह पे इंटरवेंशन करने की कोशिश की। अगर भारत की अगर मैं बात करूँ तो देखो भारत जो है, अब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने सोवरेनिटी की डेफिनेशन बताई, तो सोवरेनिटी की डेफिनेशन पहले जान लो। सोवरेनिटी का मतलब है ऐसी कैपेसिटी किसी भी देश की कि जिसमें वो खुद के जो फंक्शंस हैं अपने टेरिटरी से रिलेटेड उसको निभा सकता है टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स को छोड़ के, दूसरे स्टेट्स का बिना इंटरफेरेंस के, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के साथ भी जुड़ सकता है खुद की कैपेसिटी से। और ये सॉवरेनिटी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी है, यानी हमारी जुडिशरी सॉवरन है, हमारे लेजिस्लेचर सॉवरन है, हमारा एग्जीक्यूटिव सॉवरन है। कोई विदेश का कोई आदमी या फिर कोई विदेश की कोई पार्टी या कोई कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हमारे लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। हमारा जो प्रेम्बल है भारत के संविधान का वो यही कहता है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन रिपब्लिक इनटू अ सॉवरेन अथॉरिटी। तो कोर्ट्स, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर सब सॉवरेन है, सब इक्वल सॉवरेन अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉवरेनिटी से हम अलग हैं, हमारे ऊपर जैसे जुडिशरी जो है वो कह दे कि नहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो सॉवरेन है हम जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात मान के इनका इंटरफेरेंस अलाउ कर देंगे क्योंकि हमारे ऊपर सॉवरेनिटी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे आर्टिकल में दे रखी है जो कि आर्टिकल 51C है, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप जो है यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी के मुताबिक कि यहाँ पे आप सॉवरेन तो हो, नेशनल पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज है सॉवरेन तो हैं, लेकिन जिम्मेदार भी हैं किसके प्रति, सिटीजन्स के प्रति, इंटरनली भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति भी। कैसे? UN के थ्रू। अगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू आप जुड़े हुए हो तो आपके खुद के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग के लिए भी आप ऑब्लिगेटेड हो, उनका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उनके लिए आप कुछ अलग नहीं कर सकते, उनको आप अत्याचार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आप कहते हो कि अथॉरिटी का जो राइट है सॉवरेनिटी का ये अनफेटर्ड है या अनफेटर्ड नहीं है तो ये गलत है। सॉवरेनिटी पे जो है कुछ एक्सक्लूजन लग सकता है, कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे लग सकते हैं सिटीजन के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बचाने के लिए। आर्टिकल 14 भी हमारा ये कहता है कि इक्वालिटी बनी रहेगी सारे लोगों के लिए, चाहे वो सिटीजन हो चाहे लीगल माइग्रेंट हो, ठीक है। आर्टिकल 14 इतना वाइड है। तो कुछ आर्टिकल जो हमारे लिए कहते हैं कि हम सॉवरेन है, कुछ आर्टिकल कहते हैं कि हम जो है भारत की कम्युनिटी का, बाहर की जो कम्युनिटी है उनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। तो दोनों को मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे अपने जजमेंट देना है, अपना वर्डिक्ट देना है। और इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दोनों जो मैंने चीज़ें बताई उनके बीच में जो है काम करना चाहिए। हाउ टू हैंडल पेंडेमिक, केरला गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखो केरला में जिस तरीके से हुआ, जैसे चाइना में पहला केस निकल गया है, केरला ने गाइडलाइंस इशू कर दी थी अपने राज्य में, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से 10 टेस्टिंग सेंटर भी सैंक्शन करवा लिए। केरला ने जैसे केसेस आए वैसे वैसे जो है इन्होंने कड़क, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने शुरू कर दिए। इन्होंने जो है जैसे कुछ बाहर के केसेस आए केरला में, एक साथ एक फैमिली जो है पीड़ित हुई थी कोरोना वायरस से, इन्होंने बहुत जो है तेज़ी से टेस्टिंग स्केल बढ़ा दिया था और टेस्टिंग जो है करने लग गए। प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, जैसे किसी को COVID-19 है तो उसको वो किसके कॉन्टैक्ट में है वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट, फिर दूसरा आदमी किसके कॉन्टैक्ट में है वो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, इन सबको जो है इन्होंने जो है रोकने की कोशिश की और टेस्टिंग इन्होंने शुरू कर दी। तो केरला से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। केरला से हम क्या सीख सकते हैं कि केरला COVID-19 का आउटब्रेक हुआ भारत में, उससे पहले ही, भारत में होने से पहले गाइडलाइंस ने ला दी थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ में काफ़ी सजग रहा है और हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी अच्छी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसने बढ़ा है। क्योंकि जब निपा वायरस हुआ था केरला में, कुछ ही 20-30 केसेस में केरला ने इनको सल्टा दिया था, इसको एक एपेंडेमिक बनने ही नहीं दिया। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तब से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में, उसकी एक यूनिट भी केरला के अल्पाजुहा में है।
तो करंटली स्टेट का जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटस मैं बताऊं तो यहाँ पे बीमारियाँ नॉन कम्युनिकेबल भी है, कम्युनिकेबल डिसीज भी है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो बीमारियाँ ऐसे नहीं फैलती छूने से, कम्युनिकेबल मतलब जो छूने से पास में रहने से फैल जाती हैं। दोनों बीमारियां यहां पे हैं, कोविड-19 कम्युनिकेबल है तो ये फैली हुई है। लेकिन सरकार जिस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बना रखी है वो बहुत सक्सेसफुल है। हेल्थ केयर ऑफिशियल्स फटाफट जो है डिसीज़ को कॉम्बैट कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और इतना डिसेंट्रलाइज्ड है केरला का हेल्थ केयर सिस्टम कि मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आराम से डिसीजन ले लिए जाते हैं और सारी सर्विस डिलीवरी हो जाती है। ऊपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हेल्थ वर्कर जो है अपने हिसाब से काम करते हुए जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन भारत में भी है, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया, राजस्थान में लॉकडाउन कर दिया बिना जो है सेंटर से परमिशन लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ही तो है। चाइना में ऐसा नहीं कर सकते, चाइना में आपको टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कोविड-19 का कॉन्टेक्स्ट देखें तो केरला ने काफ़ी अच्छा काम किया। इंडिविजुअल केसेस यहाँ पे इन्होंने ट्रेस किए, ब्रेक द चेन कैंपेन यहाँ पे इन्होंने चलाया, आद्रा मिशन इन्होंने यहाँ पे चलाया ताकि प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स हैं वो डेवलप होए। तो सारी चीज़ें आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कभी अगर आउटब्रेक पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर आप केरला का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि केरला से हम ये सीख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।